हाई एवरी वन एंड वेलकम टू रिलीफ डेंटल केयर। मेरा नाम डॉक्टर निधा मदान है और आज हम बात करेंगे कि कैसे आप पीले दांतों को वाइट करवा सकते हैं। बट उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि दांतों का रंग कभी भी ये डिसाइड नहीं करता है कि आपके दांत हेल्दी हैं कि नहीं। इसका मतलब कि अगर आपके दांत पीले हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हेल्दी नहीं है। एंड सेम वे अगर आपके दांत वाइट हैं तो ये इंडिकेशन नहीं है कि वो हेल्दी हैं। सो कलर इज़ नेवर एन इंडिकेशन ऑफ हेल्दी और अनहेल्दी टीथ। तो फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो पेशेंट जब हमारे पास दांत वाइट करवाने के लिए आता है तो उसकी पर्सनल चॉइस होती है। ऑब्वियसली अ वाइटर और ब्राइटर स्माइल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं दैट इज़ ऑलवेज स्केलिंग, यानी कि दांतों की सफाई। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में जो दांत पे डिपॉजिट्स होते हैं वो एक्सट्रिंसिक होते हैं, यानी बाहरी होते हैं, तो वो सफाई से चले जाते हैं। तो बहुत बार पेशेंट्स उसी में खुश हो जाता है कि जब दांतों की सफाई हो गई तो उसे दांत अच्छे लग रहे हैं, एकदम साफ दांत लग रहे हैं, प्लाक हट गया, कैलकुलस, टार्टर सब हट जाता है, तो पेशेंट उसी में खुश हो जाता है। और अगर हम आगे भी किसी ट्रीटमेंट ऑप्शन पर जाना चाहते हैं, यानी कि ब्लीचिंग, विनियर्स, क्राउन, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पहले एक्चुअल शेप दांत की देखनी पड़ती है। तो क्लीनिंग और स्केलिंग इज़ ऑलवेज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर योर वाइटनिंग। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम या लॉन्ग रन में या पेशेंट की हैबिट की वजह से या एजिंग की वजह से कई बार क्या होता है कि वो जो हमारे डिपॉजिट्स हैं वो बाहरी नहीं अंदरूनी हो जाते हैं, मतलब वो दांत के अंदर हो जाते हैं। तो कितना भी आप स्केलिंग करवा लीजिए, सफाई करवा लीजिए, वो नहीं जाते हैं। तो उनके लिए हमें डेफिनेटली आगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हम रिकमेंड करते हैं वो है ब्लीचिंग, टीथ ब्लीचिंग। उसमें एक केमिकल लगाया जाता है दांतों में और एक लेज़र लाइट यूज़ करी जाती है जिससे दांत सफ़ेद हो जाते हैं। बट बहुत सुनने में आता है कि लोग ये कहते हैं कि ब्लीचिंग नहीं करानी चाहिए, उससे दांतों में दिक्कत हो जाती है, सेंसिटिविटी हो जाती है, तो वो बिल्कुल गलत है। अगर आप एक एक्सपीरियंस डेंटिस्ट से और जो अच्छी किट यूज़ कर रहा है, जो अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहा है उससे कराते हैं तो ये सब कंप्लेंट्स नहीं होती हैं। बस इंडिकेशंस होते हैं कि किन केसेस में आप ब्लीचिंग कर सकते हैं और किन केसेस में ब्लीचिंग नहीं हो सकती है, वो क्लियर होना चाहिए डेंटिस्ट को, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि फ्लोराइड के केस में आप ब्लीचिंग नहीं कर सकते। अगर आपके बाहरी परत यानी कि इनामल डैमेज्ड है, अट्रीटेड है, कुछ भी उसमें डैमेज हो चुका है, तो उस केसेस में ब्लीचिंग आप नहीं कर सकते। तो डेंटिस्ट को पता होना चाहिए कि ब्लीचिंग कब करी जा सकती है और कब नहीं। अगर आपके हेल्दी दांत हैं एकदम, तो उनमें ब्लीचिंग हम कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। सेंसिटिविटी कई बार हो जाती है, बट उसके लिए आपको डेंटिस्ट डीसेंसिटाइजिंग पेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे और आपकी सेंसिटिविटी भी चली जाएगी। सो दैट इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट ऑफ ब्लीचिंग। बट ब्लीचिंग से नेवर एक्सपेक्ट कि दांत आपके एकदम मोती जैसे सफ़ेद हो जाएंगे। ब्लीचिंग डेफिनेटली आपके दांतों के शेड को 2 या 3 शेड लाइट कर सकती है, 60% वाइटनिंग कर सकती है, बट कम्प्लीटली वाइट नहीं करेगी। और दूसरी चीज़ कि आपको ब्लीचिंग 8 to 9 months बाद रिपीट करानी पड़ सकती है, बट उसमें आपके दांतों को बिल्कुल डैमेज नहीं किया जाता है। सो इट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर इफ़ यू हैव हेल्दी टीथ। ये हमेशा याद रखिएगा कि ब्लीचिंग के इंडिकेशंस क्लियर होने चाहिए कि कब ब्लीचिंग कर सकते हैं और कब नहीं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हम आते हैं वो है विनियर्स, यानी कि दांतों के बाहरी तरफ एक परत लगा देना। ये 2 तरीके की हो सकती हैं, या तो वही एक फिलिंग मटेरियल जो कॉम्पोजिट होता है, जो दांतों के मैचिंग का होता है, वाइट कलर का मटेरियल, वो डेंटिस्ट हाथों हाथ वही लगाए। दूसरा, एक आपके थोड़ा सा कटिंग करके आपका मेजरमेंट लेकर, कटिंग का मतलब मेरा है कि बस एक लेयर हल्की सी घिस देना, बस ज़्यादा डैमेज नहीं करना दांतों को, सिर्फ बाहरी तरफ पर, और आपके दांतों का नाप लें और लैब में से एक सिरामिक की कोटिंग बनकर आए, उन्हें विनियर्स कहते हैं। तो हमारे पास है कॉम्पोजिट विनियर्स और सिरामिक विनियर्स। कॉम्पोजिट विनियर्स सिरामिक विनियर्स से थोड़े सस्ते होते हैं, बट उनका डिसएडवांटेज ये है कि वो इतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू सिरामिक विनियर्स, और विथ टाइम डिसकलर हो जाते हैं, उनका कलर फेड होने लग जाता है, मतलब येलो होने लग जाते हैं या वो चिप ऑफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड सिरामिक विनियर्स जो आपके लैब से बनकर आ रहे हैं वो अच्छे पॉलिश्ड होते हैं, फिनिश्ड होते हैं, उनमें डिस्कलरेशन वाली दिक्कत नहीं होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। बट आपका अगर डेंटिस्ट एक्सपीरियंस्ड है तो वो कॉम्पोजिट विनियर्स को भी अच्छी खासी फिनिशिंग और लुक दे सकता है कि किसी को पता भी नहीं चले कि आपने विनियर्स करवा रखे हैं। और इसमें भारी परत को हार्डली हम कुछ डैमेज करते हैं, तो विनियर्स अगेन आर अ सेफेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर। और अगर आप अपने दांतों की शेप भी चेंज कराना चाहते हैं थोड़ी बहुत, तो वो विनियर से आप चेंज करा सकते हैं। तो कॉम्पोजिट विनियर्स
cheaper option as compared to ceramic veneers and both are good option. But कई cases में जब patient के दांत बहुत ही खराब होते हैं कई anomalies के cases में या दांत dead होता है कि हम veneers से भी उसको ढक नहीं पाते हैं because वो इतना ज़्यादा discolored होता है veneers में बहुत mild preparation करते हैं veneers are very thin. तो उन केसेस में जिसमें ब्लीचिंग वेनियर्स कुछ भी नहीं हो सकता है कवर अप करने के लिए इन दैट केस वी गो फॉर क्राउन्स. क्राउन हमारा हमेशा लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है बिकॉज उसमें हम दांतों को चारों तरफ एंड पांचों तरफ से उसको कट करते हैं. इट इज़ डेफिनेटली अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर मेनी केसेस ऑफ डिस्कलरेशन फॉर टीथ वाइटनिंग. तो उन केसेस में हम क्राउन्स देते हैं. सो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन है स्केलिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्लीचिंग veneers एंड crowns सब अलग अलग टाइप के हैं. veneers में आप कॉम्पोजिट और सिरामिक दोनों हो सकते हैं. crowns भी बहुत वेराइटीज़ के हो सकते हैं. जब आपका दांत डेड है तो उसमें नॉन वाइटल ब्लीचिंग भी ट्राई करते हैं बट अगर उससे भी नहीं ठीक हुआ तो हम crowns कर सकते हैं. सो बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं डेंटिस्ट के पास में. सो आप फ्रीली जाइए बिकॉज कैसे भी आपके दांत किसी भी तरह से पीले हों कितने भी खराब हों वो वाइट डेफिनेटली हो सकते हैं बिकॉज यू डिजर्व अ वाइटर एंड अ ब्राइटर स्माइल. थैंक यू.